नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा। आज बात करेंगे 2002 में बनी फिल्म रैबिट प्रूफ फेंस के बारे में। 53 मिनट की ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में बनी थी और इसको एक बेहतरीन महिला प्रधान फिल्मों में रखा जा सकता है। ये फिल्म डोरिस पिलकिंगटन गरिमारा की पुस्तक फॉलो द रैबिट प्रूफ पर आधारित है। कास्ट एंड क्रू। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिछली सदी के 30 के दशक में एक छोटे से शहर जिगालोंग में ये वास्तविक घटना हुई थी, जिसे फिल्म निर्देशक फिलिप नॉयस ने पर्दे पर साकार किया है। इसमें मुख्य किरदार निभाने वाली 3 बच्चियां ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी हैं और पेशेवर अभिनेता नहीं हैं। उन्हें फिल्म के लिए प्रशिक्षित किया है रेचल माजा ने। मोली के अभिनय में एवरलीन सैम्पी, ग्रेस के रूप में टीना सानबरी तथा डेजी के रूप में लॉरा मेनाघान को देख कर कोई नहीं कह सकता है कि ये बच्चे पेशेवर अभिनेता नहीं हैं। मोली, डेजी और ग्रेस आदिवासी हैं मगर बेवकूफ नहीं हैं। उनके पास सहज बुद्धि है, उनमें दृढ़ इरादा है, हजारों मील चलते चले जाने की शक्ति है। आदिवासी जीवन उनकी कठिनाई और उनकी शक्तियों पर संभवतः बेहतरीन फिल्म है रैबिट प्रूफ फेंस। फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिलिप नॉयस, क्रिस्टिन ओल्सन, जॉन विंटर ने। स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस्टिन ओल्सन ने, म्यूजिक दिया है पेटर गैब्रियल ने और सिनेमेटोग्राफी की है क्रिस्टोफर डोयल ने। फिल्म में एडिटिंग की है वेरोनिका जेनेट और जॉन स्कॉट ने। 4 फरवरी 2002 को फिल्म रिलीज हुई थी। अगर बात फिल्म के बजट की करें तो ये था $6 मिलियन और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $16.2 मिलियन। प्लॉट। फिल्म 1931 में सेटअप है। रैबिट प्रूफ फैंस फिल्म विलाप से प्रारंभ होती है। ऐसा दर्द भरा विलाप किसी फिल्मों में शायद ही फिल्माया गया होगा। मध्यम स्वर में निरंतर चलने वाला सामूहिक विलाप जो दुख का है, जो एक तरह का रिचुअल है। बच्चियों की दादी और माँ रैबिट फैंस को पकड़कर लंबे समय तक एक तरह का आध्यात्मिक विलाप पैदा करती हैं। फिल्म का अंत भी विलाप से होता है। इस समुदाय के पास आध्यात्मिक शक्ति है। ये प्रकृति, पशु पक्षी पर आस्था रखते हैं। ये आदिवासी स्त्रियां जब तन कर खड़ी हो जाती है तब बंदूकधारी श्वेत आदमियों सत्ताधारियों की हिम्मत नहीं कि इनके सामने खड़े रह पाए। 1931 में 2 बहनें, जिसमें एक 14 वर्षीय मौली और 8 वर्षीय डेजी और उनके 10 वर्षीय चचेरी बहन ग्रेसी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई शहर जिगालोंग में रहते हैं, जो शहर के उत्तरी भाग के साथ स्थित है। इस शहर को ऑस्ट्रेलिया का खरगोश प्रूफ बाढ़ या नंबर 1 बाढ़ कहा जाता है, जो 1000 मील से भी अधिक दूरी तक फैला है। एक समय में ऑस्ट्रेलिया में कई इलाकों को बाढ़ लगाकर अलग किया गया था ताकि खरगोश इधर उधर न जा सके। इसे रैबिट प्रूफ फेंस कहते हैं। ये कटीले तार की बाढ़ मीलों मील चलती दुनिया की सबसे लंबी बाढ़ है। जिगालोंग इसी बाढ़ के एक छोर पर स्थित है। पर्थ में 1000 मील की दूरी पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के आधिकारिक रक्षक एओ नेविल, जिसको आदिवासी डेविल कहते हैं, रहता है। एओ नेविल, जिसे आदिवासी डेविल कहते हैं, इन आदिवासियों का भाग्य विधाता है। वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के जिगालोंग राज्य का कानूनी रक्षक है। उसके पास अपने पद के अनुरूप शक्ति अधिकार है कि वो किसी भी हाफ कास्ट बच्चे को उसके परिवार से छीनकर हजारों मील दूर ट्रेनिंग कैंप में रख सकता है। 3 लड़कियों को मूर नदी मूल निवासी बस्ती में स्थानांतरित करने के आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं। नेवल द्वारा हाफ कास्ट के रूप में मानता है क्योंकि ये बच्चे व्हाइट पिता और ब्लैक माँ की संतान है। जब बच्चियाँ माँ दादी से ज़बरदस्ती खींच कर अलग करके जीप में डाल दी जाती हैं, असहाय बच्चियाँ खिड़की के कांच से रोती बिलखती माँ दादी को देखती दूर होती चली जाती हैं। दादी अपने सिर पर पत्थर मार मार कर विलाप करती है। उन्हें एक पिंजरे में रख कर पहले ट्रेन और फिर खटारा गाड़ी से पर्थ के उत्तर में स्थित नेटिव सेटलमेंट कैंप पहुंचाया जाता है। वहां दिखावे के लिए उनसे बहुत मधुर व्यवहार किया जाता है। मोली उन्हें ठीक पहचानती है। उसे वहां का वातावरण बीमार करने वाला लगता है। वो मुंह से तरह तरह की सीटियां बजा सकती है जिनके अर्थ भिन्न होते हैं। वो पक्षी की आवाज़ निकालने में माहिर है। ये संकेत आदिवासी जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है। नेविल का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग खुद के लिए खतरा है और हाफ कास्ट को अस्तित्व से बाहर होना चाहिए। वो लड़कियों को एक ऐसे शिविर में रखने की योजना बना रहा है जहां वो उस उम्र की सभी हाफ कास्ट के साथ साथ लड़के और लड़कियों दोनों को बड़ा करेंगे ताकि उनका इस्तेमाल सफ़ेद परिवारों के मजदूर और नौकर बन किया जा सके।
नेवल तर्क देता है कि आदिवासी अपने लाभ हानि को बिल्कुल नहीं समझते हैं, इन्हें ऐसे ही इनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है, इनकी देखभाल आवश्यक है, इनको वाइट लोगों की सभ्यता और कल्चर सिखाना ज़रूरी है, हाफ कास्ट बच्चों को अश्वेत समाज से बचाना आवश्यक है, अगर बहुत अधिक श्वेत जीन्स उनमें हुए तो यह उनका वर्चस्व बढ़ा देगा, तब आदिवासी शक्ति बढ़ जाएगी जो वाइट कम्युनिटी के लिए खतरा बन सकती है। अर्धश्वेत यानी हाफ कास्ट बच्चों को उनकी माँ से दूर ले जाने का एक अन्य कारण फिल्म बताती है कि अगर ये बच्चे आपस में शादी विवाह करेंगे तो एक दिन उनमें से अश्वेत खून एक दिन खत्म हो जाएगा या फिर एक तीसरी नस्ल खड़ी हो जाएगी जिसमें अश्वेत रक्त का नामोनिशान नहीं होगा। इस तरह के बच्चे आज ऑस्ट्रेलिया में चुराई हुई पीढ़ी यानी स्टोलन जनरेशन के नाम से जाने जाते हैं। तीनों लड़कियों को जिगलोंग में एक स्थानीय कांस्टेबल रिक्स द्वारा जबरन उनके परिवारों से ले लिया जाता है और दक्षिण पश्चिम में लगभग 90 किलोमीटर यानी 55 मील पर्थ से उत्तर में मूर नदी मूल निवासी बस्ती में शिविर में भेजा जाता है। हजारों मील दूर बैठा नेविल उनके भाग्य का फैसला करता रहता है। नेविल की भूमिका में केनेथ ब्रेना सच में किसी शैतान से कम नहीं लगता है। फिल्म बच्चियों पर कहीं क्रूरता होते नहीं दिखाती है मगर चाबुक पढ़ने और काल कोठरी में बंद करने की बात होती है। चाबुक की आवाज़ें आती हैं, सजा के तौर पर बाल काटे जाते हैं ताकि बच्चे किसी को खूबसूरत ना लगे। ऐसे बीमार करने वाली जगह पर मौलिक कैसे रहती, उसे ये लोग बीमार नजर आते हैं। शिविर में अपने समय के दौरान मौली ने आकाश में एक बारिश के बादल को नोटिस किया और कहा कि अगर वो ग्रेसी और डेजी जिगलोंग वापस जाने के लिए पैदल भागे तो बारिश उनके रास्तों को कवर करेगी। ग्रेसी और डेजी मौली के साथ जाने का फैसला करती हैं और तीनों लड़कियां बिना देखी ही चुपके से चली जाती हैं। वो अपनी बहनों के साथ भाग निकलती है, उसे मालूम है कि वर्षा के कारण उनके पैरों के निशान नष्ट हो जाएंगे और उन्हें खोजा नहीं जा सकेगा। पैरों के निशान छिपाने के लिए कई बार वो पत्थरों पर पैर रखकर चलती हैं। बच्चियों को वापस पकड़ न पाना उसे अपने विभाग की इज्जत पर बट्टा लगना लगता है। कैंप में आदिवासी ट्रैकर है मुडू, उसकी बेटी नीना उसी कैंप में है। मुडू का काम है भागे हुए बच्चों को खोज निकालना। आदिवासी होने के कारण उसकी आंखें बहुत पैनी हैं, घ्राण शक्ति बहुत तीव्र है, उसके पास चाबुक और बंदूक दोनों हैं। जब अधिकारियों को उनके भाग जाने के बारे में पता चल जाता है और आदिवासी ट्रैकर मुडू उन्हें खोजने के लिए बुलाया जाता है, लड़कियों को अच्छी तरह से अपने ट्रैक्स को छिपाने में प्रशिक्षित किया जाता है। वो कई बार मुडू से बचते हैं। वो जिस कठोर ऑस्ट्रेलियाई देश में यात्रा करते हैं वहाँ अजनबियों से कई बार सहायता प्राप्त करते हैं। वो अंततः खरगोश प्रूफ बाण को खोज लेते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ से जिगालोंग के लिए नॉर्थ का फॉलो करना होगा। नेविल जल्द ही अपनी रणनीति बनाता है और उनके बाद मुडू और रिक्स को उन बच्चियों को खोजने भेजता है। यद्यपि मुडू एक अनुभवी ट्रैकर है लेकिन मुडू उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। हालांकि मुडू उन्हें खोज निकालता है, मुडू उन्हें देख लेता है मगर जानबूझकर अनदेखा करता है। कांस्टेबल रिक्स को उनकी रिपोर्ट नहीं करता है, उसे मालूम है कि वो अपने घर जा रही है, किसी लड़के के पीछे नहीं भाग रही है। उधर कैंप में इन लोगों के भाग जाने से सारे बच्चे खुश हैं। वो तब और अधिक खुश हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि खोजी दल लड़कियों को खोज नहीं पाया है। लड़कियां हजारों मील पहाड़ी चट्टानी रेगिस्तानी उबड़ खाबड़ प्रदेश पार करके लौटती हैं। रास्ते में उन्हें कई लोग मिलते हैं, अनपेक्षित सहायता मिलती है। वो कई बार भटकती हैं, भूख प्यास से व्याकुल चलती चली जाती है, सहज ज्ञान उन्हें चलाए चला जाता है। मोली अपनी बहनों को पीठ पर लाद कर चलती है। छोटी बहन कहती है उसे माँ चाहिए। नेविल ने झूठी खबर फैलाई है कि विलुना में उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही है। दो बहनें लौटती हैं और एक माँ से मिलने के धोखे से वापस पकड़ ली जाती है। मौली जब अपने लोगों से मिलती है तो वो खुश होने से अधिक दुखी होती है क्योंकि उसने एक को खो दिया। जैसे ही ये जानकारी एक आदिवासी यात्री को मिलती है वो लड़कियों की मदद करता है। वो ग्रेसी को उसकी माँ के बारे में बताता है और कहता है कि वो ट्रेन से विलोना जा सकते हैं जिससे वो अन्य दो लड़कियों को विलोना को ट्रेन पकड़ने में मदद कर सकता है। मौली और डेजी जल्द ही उसके पीछे चलते हैं और एक ट्रेन स्टेशन पर पाते हैं। 9 सप्ताह की यात्रा के बाद बाढ़ के साथ 2400 किलोमीटर मार्ग पर चलने के बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं और अपनी माँ और दादी के साथ रेगिस्तान में छिप जाती हैं। इस बीच नेविल को पता चलता है कि वो अब मौली और डेजी की खोज नहीं कर सकता है।
और इसे समाप्त करने का फैसला करता है। फिल्म का परिशिष्ट बताता है कि ग्रेस कभी नहीं लौटी, वो मर गई है। फिल्म के बाद बताया जाता है कि नेविल ने मॉली को फिर पकड़ लिया था, मगर वो फिर निकल भागी। हाँ, उसके 3 साल की एक बच्ची एनाबेल नेविल के हत्थे चढ़ गई। फिल्म के अंत में मॉली कहती है कि डेजी और वो कभी वहाँ वापस नहीं जाएंगी। बच्चों के माँ से फिर मिलने का बेहतरीन गीत है ये फिल्म। फिल्म रैबिट प्रूफ फैंस मनुष्य की जिजीविषा, बच्चों की मासूमियत, उनकी तड़प की कहानी है। बच्चों के साहस, उनके धैर्य, आत्मविश्वास की कहानी है। ये लड़कियों स्त्रियों के विश्वास और साहस की कहानी है। ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी रेगिस्तानी लोग मज़े से अपनी ज़मीन पर घूम फिर रहे थे। माँ उन्हें बताती है कैसे श्वेत लोग उनकी ज़मीन पर आए, अपने साथ कपड़े, आटा, चाय और तंबाकू लेकर आए और अब वो उन्हें राशन देते हैं। अब श्वेत लोग एक लंबी फेंस बना रहे हैं। वो बच्चियों को स्पिरिट बर्ड बाज के विषय में बताती हैं और कहती हैं कि वो उन्हें राह दिखाएगा। दादी बच्चों को पैरों के निशान के विषय में बताती है। प्रकृति से जुड़े शिकार करने में कुशल ये लोग की कभी भी उन्हें पकड़ा जा सकता है क्योंकि वो हाफ कास्ट हैं। श्वेत ऑफिसर को देखते ही ये छिपने का प्रयास करते हैं। 100 साल तक इन आदिवासियों ने श्वेत लोगों को अपनी ज़मीन पर आने से किसी तरह रोके रखा, मगर एक समय ऐसा आया जब श्वेत लोग एक विशेष कानून द एवोरिजिनल एक्ट के तहत जीवन की हर बात के लिए इन्हें नियंत्रित करने लगे। श्वेत लोगों ने उनकी अस्मिता को समाप्त कर दिया। फिल्म दिखाती है कि बार बार इन आदिवासियों को तोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। फिल्म को ढेरों अवार्ड्स मिल चुके हैं जिनकी जानकारी की आप थोड़ा गूगल करें। उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की सिनेमा की बातों के लिए हमसे जुड़े रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट कर दें और कौन सी फिल्म चर्चा पर आप चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए। धन्यवाद।